नमस्कार, मैं हूं शिखर दीप और आप देख रहे हैं GBN24। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का जिला प्रशासन और बिहार पर्यटन विभाग की तैयारी का जायजा लेने समाज सेवी जन सांसद के संरक्षक अजीत कुमार, जन सांसद एवं पूर्व सचिव मोहम्मद इजराइल, पंकज शर्मा और डॉक्टर श्याम सुंदर आर्य ने नमामि गंगे घाट से लेकर सीढ़ी गंगा घाट पर पर्यटन विभाग कैंप से लेकर हेल्थ कैंप, सूचना प्रसारण और पुलिस कैंप का निरीक्षण किया। वहीं देखा जाए तो गंगा घाट पर श्रावणी मेले में दूर दराज से आए हुए श्रद्धालुओं को मिलने वाली सुविधाओं पर विशेष ध्यान देते हुए साफ सफाई और शौचालय में शौच करने वाले शिव भक्तों से मिलकर जाने का प्रयास किया। श्रद्धालुओं से मिलने पर जिस तरह की कांवड़ियां ने नाराजगी जताई और जन सांसद संरक्षण अजीत कुमार ने साफ सफाई और शौचालय में शौच करने पर कांवड़ियों से वसूली करने वाला सामने आया, इसको लेकर नाराजगी जताते हुए जिला प्रशासन पर्यटन विभाग से मांग करते हुए श्रद्धालुओं के लिए श्रावणी मेला में व्यवस्था को सुनिश्चित करने, जब श्रावणी मेला आने वाले श्रद्धालुओं को हो रही परेशानियों से निजात दिलाने। श्रावणी मेला विश्व प्रसिद्ध स्थाई है, स्थाई क्यों है अजीत कुमार ये भी कहा कि नमामि गंगे घाट पर सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, तो सीढ़ी गंगा घाट पर क्यों नहीं जहां बाबा गैवीनाथ धाम स्थित है। पिछले बार की अपेक्षा भीड़ ज्यादा है, श्रद्धालुओं में जो श्रद्धा भावना है वो अच्छे से दिखाई दे रहा है, बढ़िया शांत वातावरण है। आप लोगों की व्यवस्था भी अच्छी है, पूल प्रशासन की चौकस व्यवस्था है, नदी में जो घेरा लगाए हैं वो बहुत ही सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही बढ़िया है। नाव उस पर जो चौकसी कर रहे हैं चौरस है वो भी अच्छी व्यवस्था है। मैं पिछले 20 साल से लगातार आ रहा हूँ इस योजना का इस श्रद्धालु के रूप में और लगातार जल चढ़ा रहा हूँ। इस बार मैं जल कांवरिया के रूप में नहीं बस यात्रा करके जल चढ़ा रहा हूँ, शुभनम किया वासी नाथ नहीं जा पाऊँगा। देखा और क्या व्यवस्था होनी चाहिए इसको? देखिए, मेले में घूमने का आशय हम लोग का ये नहीं था कि जिला प्रशासन की कमियों को निकालें या फिर नगर परिषद की कमियों की तरफ इंगित करें, बल्कि मेरा मूल ध्येय यह है कि श्रावणी मेला के अलावे भी सुल्तानगंज सालों भर धार्मिक पर्यटकों का क्षेत्र रहता है और श्रावणी मेला तो अस्थायी रूप से हर वर्ष आनी हुई है। तो प्रशासन से या सरकार से हमारा यह प्रश्न भी होगा कि इस स्थायी मेले की और अस्थायी व्यवस्था की हम लोग सबको ही जानते हैं, सबको यह पता है कि सुल्तानगंज जैसे जगह के लिए स्थायी पार्किंग स्टैंड होना अति आवश्यक है। अगर सरकार के पास जगह की कमी है, खादी भंडार की जगह का सरकार उपयोग करे, और भी दूसरी जगह है सरकार के पास जहाँ की स्थायी स्टैंड की व्यवस्था की जा सके। और मेले का जो है स्थायी व्यवस्था कई चीज़ों में हम लोगों ने देखा, जैसे PhD का ही हम लोग देख लें तो जहाज घाट यानी कि नमामि गंगे घाट, नई सीढ़ी घाट, अजगैवीनाथ मंदिर घाट, इन तीनों ही घाटों पर पेयजल की व्यवस्था नहीं थी। PhED डिपार्टमेंट पूरी तरह फेल साबित दिख रहा है। प्रशासन से मेरा यह निवेदन होगा कि आप जो है सिर्फ मेले के समय में मत जगिए, क्योंकि ये सालों भर तीर्थयात्रियों का जगह है, तो आप सालों भर के लिए व्यवस्था कीजिए, स्थायी व्यवस्था की तरफ होगी। आप शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाइए और उसको फॉलो करवाइए। हमारे यहाँ कुछ चीज़ों की बहुत ही ज़रूरत होती है, जैसे कि हमारे यहाँ बाहर से बल, पुलिस बल जो है या और दूसरे कर्मचारी बल भारी संख्या में आते हैं। तकरीबन एक तो औसतन जो है 3000 प्लस जो है हर वर्ष आना है, और थाना परिसर में पर्याप्त जगह रहने के बावजूद यह आश्चर्य का विषय है और हम जैसे लोगों के द्वारा हर वर्ष इस विषय को उठाए जाने के बावजूद क्यों नहीं वहाँ पर उनके ठहराव के लिए आश्रय स्थल का निर्माण और खाने पीने के लिए मेज का व्यवस्था किया जा रहा है।
पार्किंग हो गया, स्थायी व्यवस्था हो गई, पेयजल हो गया। हम लोग देख रहे हैं कि जो कुछ हमारे नगर परिषद के द्वारा एक दो शौचालयों को 20-20 साल के लिए किसी कंपनी को टेंडर पे दे दिया गया है, और हम लोगों ने देखा कि वहाँ क्या हाल है, कैसे उसके नाले खुले हैं, कैसे उसकी उसका लैट्रिन गंगा में जा रहा है, हम लोगों ने देखा। एसटीपी पर आते हैं, 80 करोड़ का है एसटीपी हमारा। अच्छा, ये हम लोगों का ड्रीम प्रोजेक्ट था। हम लोगों ने उमा भारती से प्रेम और आग्रह पूर्वक लड़कर लिया था नमामि गंगे घाट और एसटीपी एक साथ, लेकिन आज देख लीजिए कि किस तरीके से आप लोगों ने अपने कैमरे में कैद किया या कहाँ वो व्यवस्था है। मेरा आग्रह होगा बिहार सरकार से कि आप जगिए और इस राजकीय मेले को एक सम्मान, एक गौरव दीजिए, इसकी व्यवस्था को स्थायी कीजिए, इसकी व्यवस्था को दुरुस्त कीजिए, चुस्त कीजिए, नहीं तो जो परेशानियां लगातार मेले के दौरान देखने को मिल रही हैं यथावत रहेंगी। सर, देखा जाए तो जिस तरह से कमरिया के लिए शेड बना है नमामि गंगे घाट की से बगल में, उसमें पानी की जो भी हो जो देखा जाए बहुत निंदनीय है, और पानी जो है लबालब है, इसमें बोलबम की है, और पंखा वगैरह जो भी जो समस्या थी जो बोलबम ने उजागर किया उसको लेके क्या है? देखिए, ये तो पहली बार सरकार की पहल थी। सरकार की जो पहल है वह प्रशंसनीय है, जो सरकार की पहल है वह प्रशंसनीय है कि ऐसी व्यवस्थाएं और बढ़नी चाहिए, लेकिन वहीं पर उसके अंदर बिजली का ना होना ये चिंताजनक बात थी, क्योंकि टेंट हाउस के अंदर जो है गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी। हम लोग जब गए और वर्षा और पानी से बचाव कर को देखते हुए इस टेंट का निर्माण होना चाहिए था, मिट्टी भराई के बाद टेंट बनाई जानी चाहिए थी, स्थानीय लोगों को इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए था। पॉलिसी मेकिंग में स्थानीय लोगों का इन्वॉल्वमेंट अति आवश्यक है। अनुभव ही साफ दिख रहा है कि बगैर अनुभव के ही यह टेंट खड़ा कर दिया गया है। इसमें अनुभव वाले लोगों से राय विचार किया जाना चाहिए था। इसके अलावा मैं एक और विशेष बात की तरफ ध्यान दिलाना चाहूँगा कि टेंट की जो दिशा थी, टेंट की दिशा में सुधार करते हुए टेंट को पूर्व पश्चिम बनाया जाना चाहिए, ताकि जो है टेंट में, चूँकि गंगा किनारे का यह जगह है और यह हवा तूफान बारिश हमेशा आना है, और वह खुला है, पहला झोंका जो है आंधी तूफान का उसी पर आना है, तो उस अनुरूप जो है टेंट का निर्माण कराया जाए, नहीं तो क्या कहते हैं दिक्कत तो होगी। सर, एक समस्या और उसमें आया है कि जिस तरह से पिछले साल की श्रावणी मेला का जिस तरह की तुलना की जाए, इस तरह में बहुत तरह की कमियां पाई गई। सबसे बड़ी कमी जो है वह बिजली विभाग की है। बिजली विभाग का बिजली कब चला जाएगा इस बात की कोई गारंटी नहीं। पिछले 8-10 सालों में सबसे बुरी स्थिति इस बार बिजली विभाग की रही है, खतरे के निशान से पार हो रही है। इस तरह इसको लेकर के बाढ़ नियंत्रण के विभाग के द्वारा किस तरह की तैयारी चल रही है, आपने निरीक्षण किया? देखिए, बाढ़ नियंत्रण का जो काम पूर्व में रहा था वो काफ़ी अच्छा रहा था, इस बार कुछ थोड़ी सी कमियां दिख रही है। कुछ जगहों पर जो है जिस तेज़ी से पुनर्स्थापित करना था, खुटों खम्भों को जाला लगाना था, उसकी गति थोड़ा सा धीमी है। हो सकता है नई कंपनी ने काम लिया, अनुभवहीनता की स्थिति हो और यह निर्णय उचित नहीं ले पाने की स्थिति बन रही हो, और उस स्तर पर कुछ कमी पिछली बार की तुलना में इस बार दिख रही है। एक बात और है सर, कि जिस तरह से नमामि गंगे की बात करें, यहाँ पे सारा चीज़ व्यवस्था की गई है, SDRF की टीम है, लेकिन श्री घाट पर जिस तरह से भी देखने को मिला, और वहाँ के
कुछ ऐसे बोल बम से ये बेसिकली इस बार जो है हम लोगों ने देखा कि जिला प्रशासन का सारा जोर नमामि गंगे घाट पर रहा और अजगैबीनाथ घाट को बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया गया और ये हर मामले में था, ना सिर्फ SDRF की बात थी बल्कि दो दो दिनों तक वहाँ सूचना और संचार सेवा भी स्थापित नहीं हो पाया था। सूचना संचार की बात आई तो मैं चाहूँगा कि जो घाट है इसका संपर्क जो है वह पूरे मेला क्षेत्र में हो, विशेषकर जहाँ गाड़ी की पार्किंग होती है वहाँ तक होनी चाहिए ताकि यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति खोया पाया जाता है तो उसकी त्वरित सूचना जो है वह पार्किंग स्टैंडों तक और रास्तों में हो सके, इसकी कमी दिखी इस बार। कहीं अजगर भी नाथ लिखा हुआ है, कितनी सच्चाई क्या होना चाहिए इस मेला पर? देखिए सच्चाई क्या है ये ईश्वर ही जानता है, लेकिन हम लोगों ने अपने पुरखों को पूरे क्षेत्र के लोगों को गैवी मंठ कहते सुना, गैवी मंठ कहते पाया, गैवी की समाधि है बाबा अजगैबीनाथ का बाड़ा है, वहाँ गैवीनाथ की समाधि है गिरवरनाथ और बाबा भूतनाथ के साथ, और एक श्लोक भी प्रचलित है एक अज शिव शक्ति भवानी गुरु गोरख शंकर गैवी जानी, तो जाने गैवी कौन थे उनका क्या महात्म्य था ये इतिहास की बात है, रिसर्च का विषय है। और जो कुछ लोग कह रहे हैं राम जी के धनुष, परशुराम जी के धनुष के विषय में, उस धनुष का इस भौगोलिक क्षेत्र से, अंग क्षेत्र से, दक्षिणी बिहार से कोई संबंध नहीं है। उसका कारण है कि जिस पुराण का हवाला वो देते हैं उस पुराण में गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को ही वर्जित क्षेत्र माना गया है। इस क्षेत्र में जो उस संस्कृति के लोग थे आना पसंद नहीं करते थे, रहना पसंद नहीं करते थे, तो यहाँ से कोई रिश्ता उस धनुष का दिखता नहीं है जिसका कि पिनाक नाम है। अब यह उस पिनाक धनुष का नाम पुराणों में पिनाक नाम है, ये नया नाम अजगर कब से आया कैसे आया ये सब तो राजनीति का विषय है, इस पर मैं ज़्यादा कुछ कहना भी पसंद नहीं करूँगा। और जिसको जो श्रद्धा है कहते हैं मूल रूप से बाबा में जिनकी आस्था है वो तो जानते हैं गैवी मंठ है, सिद्ध स्थल है, ज्ञान की धरती है और जाह्नवी मुनि का वह आश्रम है, गंगा की द्वितीय जन्म स्थली के रूप में हम लोग उसका सम्मान करते हैं, पूजा करते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें जी 24।